हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है मैप मनोवन। सो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? पहले तो ये बताओ, नींद आई नहीं है आपको? हाँ जी, नींद भी नहीं आती क्या आप लोगों को? जगे हुए हो? चलो कोई बात नहीं। चलो यार, आपको नींद नहीं आई है और अगर आप जगे हुए हो तो आपकी इस नींद ना आने के पीछे की वजह जो है उसको देखते हैं। और वजह जो होता है दोस्तों वो होता है आपका सपना, है ना। सो दोस्तों, सपना आप लोगों का बुलंद है। हर बच्चे ने सोचा है कि उसको यूपीएससी की तैयारी करनी। मैं एक बात आपको बहुत क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि जो आपने सोच लिया है ना वो बहुत बड़ी बात है। वास्तव में जो आपने सोचा है दैट्स रियली वेरी बिग थिंग, बहुत ज्यादा बड़ी बात है और बहुत जरूरी है आप जो सोचा है उसको क्या करना दोस्तों, हासिल करना। क्योंकि सोचते तो अमूमन सभी लोग है ना, सब लोग सोचते हैं, सब कुछ ना कुछ सोचते हैं। मैं भी कुछ ना कुछ सोचता हूं, लेकिन क्या मैं उसको इंप्लीमेंट कर पाता हूं? क्या मैं उसको एग्जीक्यूट कर पाता हूं? क्या मैं उसको हासिल कर पाता हूं? मुद्दा यहां पे आता है, बात यहां पे आती है। सोचते सब हैं, हर चीज सोचता है दोस्तों। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है जिसके अंदर थोड़ी बहुत सोचने की क्षमता होती है वो कुछ ना कुछ जरूर प्लान करता होगा, लेकिन क्या फाइनली एट द डे एंड क्या वो उसको अचीव कर पाता है? क्या वो अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाता है? ये जानना दोस्तों बहुत मुश्किल है। और ये जानने के लिए ही दोस्तों मैं आपके साथ में हूं। आपने जो चीज सोची है दोस्तों, आपने सोचा है कि आप जब बनना चाहते हैं यूपीएससी सिविल सर्वेंट, आप बनना चाहते हैं आईएएस, आप बनना चाहते हैं आईपीएस और आप बनना चाहते हैं आईएफएस। सो इसीलिए आप दिन रात लगे हो, मेहनत करने में लगे हो दोस्तों, मेहनत कर रहे हो दोस्तों। दैट्स वेरी फाइन थिंग, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक मुद्दा और है दोस्तों, ये एग्जाम बहुत बड़ा है, कॉम्पिटिशन थोड़ा सा कड़ा है और समय जो है वो बहुत कम हमारे पास बचा हुआ है। समय तो हमारे पास बचा हुआ है, लेकिन हाँ, अगर मैं आज मैं देखूं तो कंपटीशन इतना ज़्यादा है, कितने सारे लोग जो हैं इस प्रोसेस के अंदर में वो इन्वॉल्व हैं, वो काम कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं। तो थोड़ी सी नेगेटिविटी, थोड़ी सी ये चीज़ें जो हैं वो हमें घेर लेती है चारों तरफ से। और अगर मैं बताऊं आपको तो हम थोड़े से फंस जाते हैं, हम सोचते हैं कि यार क्या करें और क्या ना करें, ये सब चीज़ें नेगेटिविटी हमारे दिमाग में आ जाती है दोस्तों। तो आज मैं एक छोटी सी चीज़ आपके सामने बात करूंगा दोस्तों, जिद की, है ना। जैसा आपने देखा भी था ट्रेलर में, जिद, है ना। जिद जरूरी है दोस्तों, और स्पेशली तब जरूरी है जब आपका लक्ष्य इतना बड़ा हो, जब आपका सपना इतना बड़ा हो, है ना। कितने लोग हैं जिन्होंने, कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने कभी जिद की है? गुड मॉर्निंग यार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कितने बच्चे आप में से जिन्होंने जिद की है, कभी ना कभी किसी ना किसी बात की आप लोगों ने जिद की है अपने पेरेंट्स से, और कितने लोगों की वो जिद पूरी हुई है? आप बताओ कितने हैं ऐसे लोग जिन्होंने जिद की है और जिद पूरी हुई है? ईमानदारी से बताना दोस्तों, लड़कों के साथ ही ज्यादातर केस रहा होगा कि उन्होंने जिद की और जिद पूरी हो गई हो, लड़कियों के साथ नहीं हुआ होगा। क्यों? ऐसा क्यों होता है? देखो, जब जिद हम करते हैं ना, जब अपने पेरेंट्स से भी हम जिद करते हैं, तो जिद के बाद वो डिसाइड होता है कि जिद कैसी है। और देखो, जिद जो हम करते हैं बचपन में, वो जनरली जो जिद होती है दोस्तों वो हमारी नेगेटिव चीज़ों के लिए ही होती है, वो ज़्यादा फ्रूटफुल होती नहीं है, है ना। जिद करते हैं हम कुछ खाने पीने की, जिद करते हैं हम कहीं जाने की, है ना, ये जिद करते हैं। तो जिद इतनी फ्रूटफुल होती नहीं है हमारी, तो पेरेंट्स हमें परसुएड करते हैं कि नहीं बेटा ये काम नहीं करते, और आप मान जाते हो। जनरली जो गर्ल्स हैं वो मान जाती हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, गर्ल्स के मन में एक मतलब सॉफ्ट कॉर्नर होता है पेरेंट्स के लिए ज़्यादा, वो अपने पेरेंट्स के लिए ज़्यादा सोचती हैं तो वो मान जाती है। जब बच्चे जनरली, लड़के थोड़े कम सोचते हैं, थोड़े से हम थोड़ी अलग कैटेगरी में आते हैं, निकम्मे टाइप्स होते हैं, हम नहीं मानते, तो जनरली हमारी जिद ज़्यादा पूरी होती है। जब मैंने छोटा सा एक लेसन लिया है, जिद कब पूरी हुई दोस्तों, जब आप जिद पे टिके रहे। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं, मेरे साथ बहुत सारे एस्पिरेंट्स जुड़े थे, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा था जो इस जर्नी में जुड़ते थे, और लगातार सफर चलता गया और वो छोड़ते गए। किसी ने 3 महीने तैयारी की, किसी ने 4 महीने की, किसी ने 5 महीने की। आप भी मेरे साथ जुड़े हुए हो। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपनी मंजिल को पाके ही दम लेंगे, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे दोस्तों जो बीच में कहीं ना कहीं लुप्त हो जाएंगे, लापता हो जाएंगे, गुम हो जाएंगे। मामला ये नहीं है कि आप इंटेलिजेंट है, आप डेलीजेंट है, मामला ये है कि आप कितना जो है, आप सफ़र कितना जो बड़ा कर सकते हैं, आप कितना इम्तिहान दे सकते हैं। एक बार नहीं हुआ कोई बात नहीं, 2 बार नहीं हुआ कोई बात नहीं, 3 बार नहीं। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने 6th अटेम्प्ट के अंदर में यूपीएससी क्लियर किया है और उन्होंने अपना ड्रीम जो है परस्यू किया है। क्या आपके अंदर वो लगन है? क्या वो जिद है कि बार बार आप उस चीज को क्या करते रहो, आप उस चीज के लिए जाते रहो? क्या वो जिद है? देखो, जिद जरूरी है, जिद जरूरी है, और स्पेशली तब जरूरी है दोस्तों जब जिद आपके लक्ष्य के लिए हो, जब जिद आपके पर्पस के लिए हो। आपका पर्पस क्या है दोस्तों? आपका पर्पस वो है जो सोचने से ना आपके परिवार वालों का सीना फूल जाता है, ठीक है। अभी बोलना अपनी मम्मी से, पापा से कि जब मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगा या बन जाऊंगी आपको कैसा लगेगा, वो आपको बताएंगे। उनके एक्सप्रेशन जो है ना चेहरे के, वो आपको बताएंगे कि कैसा लगेगा उनको। सो वास्तव में ये बात सच है जब आप बन जाओगे तो उनको वो जो मोमेंट होता है वो आज ही सोचते हैं ना, तो मतलब वो एक्साइटमेंट से भर जाते हैं। दोस्तों मैं उन सपने को पूरा करने के लिए बात कर रहा हूं दोस्तों, तो उन्हीं का वो सपना जो है उसके लिए जिद जरूरी है। जिद जरूरी है क्योंकि बार बार असफलता आपको नकारेगी, असफलता कहेगी नहीं नहीं करना, लेकिन आपको जिद्दी रहना है। बार बार आपको हार से टकराना है, बार बार आपको जीत के लिए जाना है और आपको इसके लिए जिद्दी बनना पड़ेगा। मैं गलत चीज के लिए जिद नहीं कह रहा, मैं जिद बोल रहा हूं आपको आपके सपने के लिए करनी है। और मैं जिद की बात क्यों करता हूं दोस्तों, जनरली अगर मैं बात बोलूं तो काफी सारे लोग हैं जो इस टर्म को नेगेटिव कॉट करेंगे, जो नेगेटिव सोचेंगे कि सुमित सर पता नहीं ये क्या पढ़ा रहे हैं, जिद करो। अरे जिद सर अच्छी बात कह रहा हूं मैं, जिद करो, लेकिन जिद करो अपने लक्ष्य के लिए, जिद करो अपने सपने के लिए, जिद करो उस चीज के लिए जिसको देख के, जिसको सुन के आपके परिवार का सीना चौड़ा हो जाता है, जिसको सुन के आपके अंदर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिद उसके लिए करो दोस्तों, और वो जिद गलत नहीं है। इतिहास के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जिद की है और उनकी लाइफ को मैं यहां बताऊंगा, उनकी लाइफ से मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको दोस्तों, और उस जिद को कैसे उन्होंने पूरा किया, कैसे उन्होंने उस जिद को सेटिस्फाई किया, वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं बात कर लूं दोस्तों इन महान आदमी की, इस महान वैज्ञानिक की, ठीक है। मेरे हिसाब से सब इनके बारे में जानते हैं। कौन है मेरे पीछे देख रहे हो आप, कौन है ये हैं स्टीफन हॉकिंग साहब, ठीक है। और अपने आप में मुझे मतलब इनका इंट्रोडक्शन देने की जरूरत आपको शायद नहीं है। स्टीफन हॉकिंस जी जो हैं आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो हॉकिंस वेव, और अगर बात करें हम ग्रेविटेशनल थ्योरीज, और इवन मैं ब्लैक होल की बात करूं तो उसके फील्ड में स्टीफन हॉकिंस का नाम जो है वो जाना जाता है। बहुत महान साइंटिस्ट हैं, लेकिन इसकी महानता के पीछे का राज आप जानते हो क्या? नहीं जानते। जिद, इनकी महानता के पीछे का राज क्या था? जिद। और इनको तो चैलेंज उसने किया था जिसके सामने किसी की चलती नहीं। हम क्या कहते हैं, मौत के सामने भगवान, मौत के सामने भला किसकी चली है, यही तो कहते हैं हम। लेकिन ये वो आदमी है जिन्होंने मौत को भी हराया है, जिन्होंने मौत को भी हराया है दोस्तों। ये वो बंदे हैं स्टीफन हॉकिंग साहब, ये वो पर्सन है दोस्तों जिन्होंने लाइफ में, अपनी जिंदगी में मौत को परास्त किया है। इनका मानना पता क्या था, इनका मानना यह था कि मैं आज मरूं कल मरूं मुझे कोई चिंता नहीं है, आज मर जाऊं कल मर जाऊं तो मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। लेकिन साथ साथ में इन्होंने एक बात और भी बोली कि मुझे इतनी जल्दी भी नहीं है, ठीक है। आज मरूं कल मरूं मुझे कोई जल्दी नहीं है, यह भी बात इन्होंने बोली, और ना ही इनको कोई चिंता थी। इनका बहुत बड़ा मानना है दोस्तों, जीवन और मृत्यु के बीच में बहुत कुछ ऐसा है जो आप कर सकते हैं। इनका मानना था कि जीवन और मृत्यु के बीच में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं दोस्तों जो आप कर सकते हैं, और एक पर्सन को वो चीजें करनी भी चाहिए, ये इनका मानना था दोस्तों। और इनका ये जो मानना था उसमें इनका बहुत स्ट्रांग बिलीफ था कि आदमी जो होता है जीवन और मृत्यु के बीच में बहुत सारी वो ऐसी चीजें हैं जो कर सकता है। स्टीफन हॉकिंस भी उसी टाइप के थे, वही मानते थे। साधारण परिवार में जन्म हुआ, इनका जन्म तब हुआ था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो जो जहां पे रहते थे ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, वहां लगातार बमबारी, गोलाबारी, कुछ ना कुछ होता रहता था। तो इन्होंने क्या किया, इनके माँ बाप ने सोचा, इनका जन्म होने वाला था तो इनके माँ बाप ने सोचा यहाँ पर तो बच्चे का जन्म होगा तो इसके लिए सुरक्षित रहेगा, तो इनके पेरेंट्स जो है वो दूसरी जगह पे मूव कर गए। वहां पे स्टीफन हॉकिंस का अच्छे से जन्म हुआ। जन्म के बाद में दोस्तों इन्होंने अपनी पढ़ाई वढ़ाई स्टार्ट की। एक एवरेज स्टूडेंट माना जाता था, इनफैक्ट इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि 8th स्टैंडर्ड तक तो इनको पढ़ना नहीं आता था, ये स्ट्रगल करते थे। बट बाद में लगन और जिद इतनी अच्छी थी इनको, यार मतलब लिख के आए थे ऊपर से कि कुछ बड़ा करके जाएंगे। और जिस दिन से इन्होंने काम करना स्टार्ट किया, जिस दिन से इन्होंने पढ़ाई करना स्टार्ट किया, इनका दिमाग हर चीज़ ने इसके लिए, हर चीज़ ने इसका सपोर्ट किया। वो कहते हैं ना कि अगर किसी चीज़ को अगर आप शिद्दत से करते हो ना, बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया में जो आपको उसको मिलाने के लग जाती है। वो एक डायलॉग भी है ना यार, बट मैं उसको कैसे बोलता हूँ, मैं स्टीफन हॉकिंस के टर्म्स में बोलूँ तो इस दुनिया में बहुत सारी, इस आपके सराउंडिंग में बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी होती है। जब आप जो चीज सोचते हो ना वो उसके लिए काम करती है, वो कोशिश करती है वो चीज आपको मिले, वो कोशिश करती है वो आप प्राप्त कर पाओ। स्टीफन हॉकिंस का भी मानना यही था। उन्होंने पॉजिटिविटी को पूरी लाइफ में बना के रखा है। जब जन्म हुआ 8 साल तक इनको पढ़ना पढ़ाना कुछ नहीं आता था, लेकिन बाद में जैसे जैसे इन्होंने चीजें शुरू की, प्रयास किया, चीजें बहुत अच्छी गई। मैं आपको बताऊं, इन्होंने छोटी सी उम्र के अंदर में इनका मैथ में बड़ा लगाव था यार। इनको बचपन से आइंस्टीन के नाम से जानते हैं, और इनकी मृत्यु भी उसी दिन हुई थी जिस दिन आइंस्टीन जी का जन्म हुआ था। मैथ में रुचि थी, छोटे थे लेकिन हाँ छोटे थे लेकिन उन्होंने पुराने कबाड़े का इस्तेमाल करके नया कंप्यूटर बना दिया था इन्होंने, ठीक है। लेकिन देखो यार शायद किस्मत ने कुछ और ही सोचा था इनके बारे में, और 20 साल के आसपास होंगे, अर्ली 20s के अंदर ये घर आए, और घर आए एक दिन तो सीढ़ियों से फिसल के नीचे गिर गए। सीढ़ियों से गिरे तो स्टार्टिंग में सबने सोचा यार कुछ हल्का बहुत होगा, प्रॉब्लम सबको हो जाती है, गिर गए तो कोई बात नहीं, गिर गए। हॉस्पिटल लेके गए, वहां पर पता चला दोस्तों कि इनको एक खतरनाक बीमारी है, एक भयंकर बीमारी है। और वो बीमारी कौन सी है दोस्तों, वो है न्यूरॉन मोटर डिजीज। पता चला इनको एक खतरनाक बीमारी है, भयंकर बीमारी है, नाम था न्यूरॉन मोटर डिजीज। ये क्या बीमारी है सर? ये बीमारी ऐसी है जिसमें आपकी जो मसल्स को कंट्रोल करने वाली जो वेन्स होती हैं वो धीरे 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 काम करना बंद कर देती है और आपका बॉडी पैरालाइज हो जाता है। अर्ली 20s की मैं बात कर रहा हूं, अर्ली 20s के अंदर इनको ऐसी बीमारी हो गई कि इनका शरीर जो है वो धीरे धीरे पैरालाइज होने लग गया। इनका शरीर जो है पैरालाइज होने लग गया धीरे धीरे, एक के बाद इनका शरीर जो है काम करना छोड़ दिया। इवन डॉक्टरों ने ये भी बोल दिया था कि शायद ये बहुत लंबे टाइम तक जिंदा ना रह पाए, लेकिन वो कहते हैं ना जिद्दी थे, आदमी में जिद थी। कुछ दिनों तक इनके माँ बाप ने इनको ये बात बताई नहीं कि इनको ऐसी कोई बीमारी है, कि इनको कुछ ऐसा न्यूरॉन मोटर डिजीज टाइप का है। लेकिन वो कहते हैं ना माँ का दिल तो यार बहुत सॉफ्ट होता है, तो एक दिन इनकी माँ ने इनको बता दिया कि बेटा ऐसे ऐसे आपको तो एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर में आप धीरे धीरे आपकी जो मसल्स हैं वो काम करना छोड़ देंगे, धीरे धीरे आपका शरीर जो है वो विकलांग हो जाएगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। यहाँ से और इन्होंने जवाब दिया कि माँ मैं कुछ नहीं होने वाला मेरे को, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला, मैं जिंदगी में आया हूं बहुत कुछ करके जाऊंगा और मेरे को ऐसे कुछ नहीं हो सकता, मैं चाहूं ना जब तक मैं जिंदा रहूंगा, आप चिंता मत करो। इन्होंने बोला, इनकी माँ हंसी, इन्होंने कहा, इनकी माता श्री ने बोला कि यार बच्चा है, कैसी बात कर रहा है ना, लगता है ऐसा, ठीक है। माँ ने सोचा कि ठीक है बच्चा है बोल रहा है ऐसा, लेकिन यार उन्होंने कभी सोचा नहीं कि इतना जिद्दी है, ये मौत को भी परास्त कर देगा। और वो बात सच थी दोस्तों, स्टीफन हॉकिंस का लगातार एक के बाद शरीर का अंग काम करना बंद कर जाता है, और दूसरी ओर स्टीफन हॉकिंस जी हैं वो बुलंदी की तरफ चले जाते हैं दोस्तों। इन्होंने माना कि इनका शरीर एक दिन काम छोड़ देगा, इनको पता था एक दिन मृत्यु होनी निश्चित है, लेकिन इन्होंने सोचा कि मैं इतनी जल्दी तो नहीं जा सकता, मैं तो बहुत कुछ करने आया हूं, मेरे को तो पूरा जमाना अपने नाम करना है दोस्तों। और इन्होंने स्टार्ट कर दिया अपनी रिसर्च जो है स्टार्ट कर दी। इनका शरीर पैरालाइज हो चुका था और तब इन्होंने अपनी रिसर्च स्टार्ट की दोस्तों, और एक के बाद नए कीर्तिमान स्थापित किए। हॉकिंस वेव और ब्लैक होल के बारे में बताने वाले ये पहले आदमी थे, इन्होंने ही ब्लैक होल और आपका हॉकिंस वेव का कॉन्सेप्ट दुनिया को दिया। इन्होंने अपनी बात को हम तक पहुंचाने के लिए एक अच्छी सी किताब भी लिखी है जो बहुत फेमस है, बहुत प्रचलित है दोस्तों। मैं इनके बारे में बताना चाहता हूं, जिद थी तभी ये बंदे जो थे, आपका मैं बता रहा हूं, आपका जिसको डॉक्टर ने बोल दिया था कि 25 से 30 साल मैक्सिमम, वो 70 साल तक आपके क्या रहे, जिंदा रहे। ये जिद ही थी जो इनको इतनी दूर लेके आई थी, जिद ही तो थी ये, और क्या था। इनके अंदर ना वो जीने की इच्छा थी, वो जिद थी कि कुछ करना है और कुछ करना है दोस्तों। जब ये कुछ करने की सोची ना, इनको सारा दिमाग वहीं लगता था, इनका मस्त एक के बाद एक शरीर पूरा पैरालाइज हो गया, कुछ नहीं काम करता था, व्हील चेयर पर इन्होंने अपनी जिंदगी काटी आपकी। लेकिन इस दुनिया के सबसे महानतम आदमियों में इनका नाम आता है स्टीफन हॉकिंस जी का, क्यों? क्योंकि जिद्दी थे और वो करके दिखाया। इन्होंने तो मौत को भी परास्त किया, नाम तो किया ही किया, दुनिया को बहुत सारी अच्छी चीजें दी, लेकिन अपना जो खुद की लड़ाई है उसमें इन्होंने हार नहीं मानी। इनकी लाइफ में क्या स्ट्रगल नहीं था? बहुत स्ट्रगल था यार, बहुत संघर्ष था। एक आदमी पूरा जिंदगी, पूरा जीवन अपना व्हीलचेयर पे काटता है, इससे बुरी बात क्या होती है? लेकिन शरीर अपंग था दोस्तों, दिमाग नहीं। शरीर अपंग था, दिमाग अपंग नहीं था, दिमाग उतनी ही तेजी से काम कर रहा था। और दोस्तों यह वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि आदमी जो अपंग होता है ना, वो शरीर से नहीं होता, अपाई शरीर से नहीं होता, दिमाग से होता है, मन से होता है। और इनका दिमाग और जो है वो बिल्कुल अलग था। और दोस्तों दुनिया को वो दिया इन्होंने, ठीक है, जो आज हम आज नहीं आगे आने वाले पता नहीं कितनी पीढ़ियां हमारी इनको याद रखेंगी इस चीज के लिए। सो दोस्तों जिद्द थे तो मौत को भी मात दी इन्होंने, ऐसे थे स्टीफन हॉकिंस। और बाद में आप सभी को पता है इनको अच्छे अच्छे पुरस्कार मिले, अच्छे अच्छे प्राइज मिले। इनकी हॉकिंस वेव और ब्लैक होल थ्योरीज के लिए इनको काफ़ी सारे पुरस्कार जो है वो मिले और आज भी जाना जाता है इनको। और मैं कहूँगा इतिहास में आगे आने वाले समय में भी स्टीफन हॉकिंस जी को जाना जाएगा। चलो ठीक है यार, ये तो दूर के व्यक्ति थे। मैं आपको इधर अपने पास की एक स्टोरी सुनाता हूं, ठीक है। पास की स्टोरी है, शायद उनको भी आप जानते हो। जानते हो इनको? कौन है? अरुणिमा सिन्हा। हाँ, एक पैर नहीं है इनका, एक पैर नहीं है। लखनऊ से दिल्ली आ रही थी चलती ट्रेन में, सोने की चेन पहनी हुई थी। चलती ट्रेन के अंदर कोई चढ़ गए दो तीन लुटेरे, चेन छीननी थी। आदमी का तो टेंडेंसी होता है ना रजिस्ट करना। आपसे कोई चीज छीनेगा तो आप थोड़ी ना दे दोगे। रजिस्ट किया तो उठा के ट्रेन से बाहर फेंक दिया। किस्मत थोड़ी खराब थी, दूसरे ट्रैक पे भी ट्रेन आ रही थी। दोस्तों सेम टाइम पे दूसरे भी ट्रैक पे ट्रेन थी, ट्रेन इनके पैर से गई, पैर कट गया। कुछ देर बाद में होश आया, इन्होंने अपने हाथ पैर हिलाने की कोशिश की, देखा तो पैर था ही नहीं, है ना। पैर बिल्कुल कट चुका था ट्रेन के अंदर, और दूसरा जो था उसकी हड्डी टूट गई थी, मांस फट गया था। रेलवे ट्रैक पे चूहे देखे आपने? चूहे घूमते रहते हैं, चूहे लगे हुए थे, पता है इनको पैर को खाने के लिए चूहे लगे हुए थे। उठाया गया इनको, हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल लेके गए, वहां पता चला इनको कि ऐसे ऐसे उनका पैर नहीं है। दोस्तों मैं अपनी बता रहा हूं, ठीक है। आम आदमी जो है सोचे कि पैर नहीं है तो बहुत कुछ बदल जाता है जिंदगी में, लेकिन इनकी जिंदगी में भी बदला तो बहुत कुछ। लेकिन दोस्तों इनका बदला तो हौसला इनका और बुलंद हुआ और जिद इनकी और मजबूत हुई। दोस्तों इन्होंने भगवान को धन्यवाद दिया कि वाह, इतना होने के बाद भी अगर आपने मेरे को जिंदा रखा है ना तो कोई बड़ा काम करवाना है मेरे से। दोस्तों उस दिन उन्होंने डिसाइड किया कि इनको माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है। ठीक हुई, कुछ दिनों के बाद प्रोस्थेटिक लेग होता है उसके ऊपर चली। बहुत मुश्किल होता है, 4 से 5 साल लोगों को लग जाते हैं चलने में, सीखने में। 4 से 5 साल लग जाता है प्रोस्थेटिक लेग पे चलने में, सीखने में। लेकिन इन्होंने बहुत कम टाइम पे वो काम करके दिखाया। इनके जो शेरपा थे बछेंद्री पाल, ये उनके पास गए, उनको जाके बोला कि मैं माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है मेरे को। क्या करना है? माउंट एवरेस्ट। तो बछेंद्री पाल ने एक बार देखा इनकी तरफ, इनकी हालत को देखा, एक पैर नहीं है इनका। उनकी देख के आंख में ना आंसू आ गए थे, आंसू आ गए थे उनके आंख में। क्यों आंसू? इसलिए आगे थे कि ये हालत है, एक पैर नहीं है और फिर भी क्या सोचा है यार कि माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है। दोस्तों हाँ, इन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना था, लेकिन बात होती है ना दोस्तों जिद, ठीक है। पैर ना हो क्या हुआ यार, हाथ ना हो क्या हुआ, इवन शरीर ना हो तो क्या हुआ, जिद तो है ना, जिद तो है। और जिद जो है वो बहुत कुछ करवा देती है यार, बहुत कुछ। अगर आपके अंदर वो जिद है ना तो आप भी बहुत कुछ कर दोगे यार। आपकी लाइफ में भी छोटे छोटे इंसिडेंट होते हैं, ऐसे बहुत इंसिडेंट होंगे। आप रिकॉल करो, आपको पता चलेगा। और वो इंसिडेंट अगर आप याद करो ना तो वो आपको इतनी जिद करा सकते हैं कि मत पूछो यार। बट आप में वो हिम्मत होनी चाहिए, आपके अंदर वो हौसला होना चाहिए कि उन इंसिडेंट्स को याद करके अपने आप अंदर जोश भरो। और जनरली हमारे अंदर जो जोश आता है ना वो बहुत कम समय का है। लेकिन अरुणिमा सिन्हा ने जो सोचा था वो लंबा सोचा था दोस्तों, ना कि माउंट एवरेस्ट। इस दुनिया के साथ जो हाईएस्ट पीक है ना उनको उन्होंने इनको क्लाइंब किया। एक ऐसी लड़की, एक ऐसी भारत की नारी जिनका एक पैर नहीं है, उन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया, द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। सोचने में रूह कांप जाती है, कभी वीडियो देखना खोल के, डर जाओगे देख के। और वो इन्होंने जिनके एक पैर नहीं था, प्रोस्थेटिक लेग के सहारे दोस्तों दुनिया की हाईएस्ट पीक इन्होंने चढ़ाई की। तो फिर से साबित किया कि आदमी विकलांग पैर से, हाथ से, शरीर से नहीं होता, आदमी विकलांग मन से होता। अगर आप मन में सोच लो ना तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों। और उस सोच के लिए ना जिद जरूरी है। कोई गलत काम तो नहीं कर रहे ना, चोरी कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे ना। अरे मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। पढ़ाई करके, मेहनत करके हम अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, माँ बाप के सपने को पूरा करना चाहते हैं। तो गलत क्या है इसमें? मुझे तो नहीं लगता कुछ गलत है। लेकिन गलत दोस्तों तब हो जाएगा जब ये सफर आप बीच में छोड़ दोगे। आपको कंसिस्टेंटली मेहनत करनी है। बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जो इस जर्नी के अंदर आते हैं। अब आप डिसाइड करो, आपको स्टीफन हॉकिंस बनना है, आपको अरुणिमा सिन्हा बनना है, या उन लोगों की तरह जाना है दोस्तों, उन लोगों की श्रेणी में जाना है जिन्होंने लाइफ के अंदर चैलेंजेस आए और चैलेंजेस जैसे ही आए उन्होंने छोड़ दिया। क्या बनना चाहते हो आप? आप बनना चाहते हो इन जैसा, या बनना चाहते हो उस भीड़ के जैसा जो चैलेंजेस आने के ऊपर छोड़ देते हैं, जिनकी जिद इतनी पक्की नहीं कि वो उनको सफलता दिला दे, जिनकी जिद इतनी स्ट्रांग नहीं कि वो हर मुश्किल से उनको पार लगा दे। दोस्तों सोचने का एंगल होता है हमारा। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है, ओवरकम सबको सब चीज करनी होती है, और ये डिपेंड करता है कि आपका जो कहते हैं ना विल कितनी स्ट्रांग है। मैं उसको बोलता हूं जिद कितनी स्ट्रांग है आपकी, कितने जिद्दी हो आप अपनी चीज को लेके, क्या कर सकते हो आप, कितना एफर्ट आप कर सकते हो। जिद दोस्तों, जिद एक ही चीज है जो आपको मोटिवेट रखती है, और वो आपकी जिद। आपका जो लक्ष्य है ना, दूर है, थोड़ा धुंधला भी है, साफ भी नहीं है, लेकिन उसकी तरफ आपको बार बार कौन बढ़ाएगा दोस्तों, आपकी जिद। मुश्किलें आएंगी, आपको हराना है, मदद कौन करेगा, आपकी जिद। आप देखो यार, जिद करनी है नहीं करनी, और जिद करनी है दोस्तों तो आप सही जगह पे हो, सही पर्सन के साथ हो, क्योंकि मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी जिद की है, और मैंने उन जिद के साथ में उन चीज़ों को पार किया है दोस्तों। बहुत सारी प्रॉब्लम मेरी भी लाइफ में आई है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, लेकिन मान के चलना दोस्तों मैं हर टाइम जिद से अड़ा रहा हूँ। मैं इतना महान तो नहीं हूँ यार, लेकिन हाँ एक आम आदमी की तरह जिद करना मुझे भी आता था, जिद मैंने भी की है, और उन जिद के बदले दोस्तों मैंने मतलब कभी जो सोच लिया उसको करके छोड़ा है, कोशिश की है मैंने। सेटबैक्स आते हैं यार, सेटबैक्स सबकी लाइफ में आते हैं, आप कोशिश करोगे नहीं होगा, पीछे हट जाओगे, लेकिन आप देखो क्या इतनी जल्दी हार मान लोगे। मेरे अंदर तो यार नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड है, कोई बात नहीं, एक दिन पढ़ाई नहीं हुई, 2 दिन नहीं हुई, 1 हफ्ता नहीं हुई दोस्तों, 1 महीना नहीं हुई, या पिछले 1 साल नहीं पढ़े हम, लेकिन अब पढ़ेंगे ना, अब पढ़ेंगे दोस्तों। पीछे की चीजों पे लाइन खींच दो, जो हो गया सो हो गया, आज से नया शुरू करो, न्यू, छोड़ो जो हो गया सो, नहीं पढ़े क्या गया, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, जिंदगी खत्म थोड़ी ना हो गई। लेकिन ये पता है कब आएगा, जब आपके अंदर जिद हो, आपके अंदर वो आग हो, तब ये चीज कर पाओगे आप दोस्तों। मुझे नहीं पता आप कितने जिद करते हो, कितना मतलब आपका पर्पस स्ट्रांग है, लेकिन हाँ अगर पर्पस स्ट्रांग है दोस्तों तो जिद करना सीख लो, जिद्दी बन जाओ, क्योंकि हमें ना ये चीज अचीव करके रहनी है। ऐसे नहीं सोचा हमने, हम उन लोगों की श्रेणी में शामिल नहीं होंगे जिन्होंने जिद की लेकिन जिद बाद में छोड़ दी और अपना सफर जो है वो चेंज कर लिया। हम उन लोगों में आएंगे दोस्तों जो जिद किया और अपना लक्ष्य को क्या किया दोस्तों, हासिल किया। यही छोटी सी बात मैं आपको कन्वे करना चाहता था कि जिद करो, जिद जरूरी है, और सबसे ज्यादा जरूरी तब है जब आप अपने लक्ष्य के लिए जिद कर रहे हो दोस्तों। आज का दिन मैं इसलिए बोल रहा हूं, जितनी भी पुरानी बातें छोड़ो यार, लाइन खींच दो, ऐसे आज से एक नई शुरुआत करते हैं, ठीक है, आज से एक नया शुरुआत करते हैं दोस्तों। 10 बजे मिलिए मेरे साथ, मेरे प्रोग्राम के अंदर, गुरुकुल प्रोग्राम 2021 के बच्चों के लिए लॉन्च कर रहा हूं। ये वो प्रोग्राम है दोस्तों जहां मैं सिखाऊंगा आपको आपके लक्ष्य के लिए जिद्दी होना, मैं सिखाऊंगा दोस्तों आपको कैसे आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे। ये ना केवल ऐसा प्रोग्राम नहीं है दोस्तों गुरुकुल प्रोग्राम जिसमें आपको बस मैं पढ़ा दूंगा और चले जाओगे, नहीं भाई नहीं। अगर ये सोच रहे हो तो बहुत सारे चैनल हैं, कहीं जाओ कहीं पढ़ लो। मैं यहाँ वो काम कराऊंगा, मैं उन लोगों को लेके आना चाहता हूं, मैं उन लोगों के साथ जुड़ना चाहता हूं जिनके अंदर जिद है। कोई बात नहीं यार, आपको पढ़ना नहीं आता, आपको समझ नहीं आता, अभी तक नहीं पढ़े, अभी काम नहीं करते, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ जिद होनी चाहिए आपके अंदर कि अब करेंगे सर, अब तो 50 पाप कर दिए, वो कहते हैं ना 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, तो कोई बात नहीं, जो किया पास्ट में किया, लेकिन आज अब जिद पक्की है बिल्ली की, अब हज पे जाना है तो जाना है, तो आपके अंदर में भी वो होना चाहिए दोस्तों। मुझे कोई मतलब नहीं आपके 10th में क्या थे, आपके 12th में क्या थे, मुझे कोई मतलब नहीं ग्रेजुएशन में आप पढ़े हो नहीं पढ़े, मुझे कोई मतलब नहीं आज से पहले आप 5 घंटे पढ़ते थे 6 घंटे पढ़ते थे। जिद जरूरी है दोस्तों, और ये जिद को सबसे पहले ढूंढो क्यों जिद करना चाहते हो। आपकी जिंदगी में बहुत सारे पर्पस होते हैं जिनकी वजह से जिद करना आता है दोस्तों। मेरी लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जिन्होंने मुझे जिद करना सिखाया, और वो भी इस चीज के लिए मैं बताऊंगा दोस्तों। लेकिन आज ये था एक छोटी सी सीरीज की शुरुआत थी हमारी दोस्तों, बहुत चर्चा होगी इसके ऊपर, और ये शो हमारा रेगुलर चलेगा दोस्तों, और इस पर रेगुलर मैं आपसे चर्चा करता रहूंगा, रेगुलर मैं आपसे बातचीत करता रहूंगा। समय अभी हमारा ये समाप्त नहीं हुआ, ये तो सिर्फ शुरुआत थी दोस्तों। बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बहुत सारे किस्से मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन इन सब का पर्पस क्या होगा, आपको जिद्दी बनाना। जिद्दी अपने गोल के लिए तो नहीं कब पेरेंट्स के साथ में जिद करके बैठ जाओ, नहीं, पिटाई भी होगी, ठुकाई भी बहुत होगी। देख लो मैं बता रहा हूँ सबके, मैं एक शो करके सभी अंकल आंटीज को बता दूंगा कि डंडा तैयार रखो, जिद करे तो पेलो इनको, मारो इनको अच्छे से, ठीक है। लेकिन दोस्तों जिद बुरे के लिए नहीं, हम जिद अच्छे के लिए करेंगे, उनको वो देख दिखाएंगे, उनको वो करके दिखाएंगे जिनसे उनका भी सीना चौड़ा हो जाए, ठीक है। अरे साथ हो मेरे या नहीं हो, या सो रहे हो, रेडी हो? रेडी हो ना तो मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दिखना चाहिए। देखो मैं सोने वाला नहीं हूं सुबह तक, ठीक है। सुबह नया प्रोग्राम लॉन्च करेंगे, बहुत जल्दी उस प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। आज सुबह मैं बताऊंगा उसके बारे में कि क्या प्रोग्राम है, और आज एक नया चैनल भी मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं दोस्तों। लेकिन हां, आपके साथ की जरूरत है, मुझे वो चाहिए, मतलब मुझे ऐसे वो गुरुकुल में रहते हैं ना, मुझे वो वाले बच्चे चाहिए यार, एकदम गुरुकुल वाले, ठीक है, जो बोल दिया सो कर लिया। आप करिए, मैं आपके साथ हूं दोस्तों। सो कौन कौन बच्चे रेडी हैं यार, फटाफट कमेंट बॉक्स में यार, एवरीवन कमेंट बॉक्स में ओके की रिपोर्ट है लिख दो, ओके की रिपोर्ट है सर। रिपोर्ट हमेशा ओके की होनी चाहिए। बहुत बढ़िया यार, दिल खुश हो गया देख के यार, वाह। अच्छा ये सही में थोड़ा सा आग लगी, देखो मेरे को ना मेरे रोंगटे खड़े हुए हैं, ठीक है, मैं सही बता रहा हूं दोस्तों। मतलब रात के 12 मतलब 12:30 बजे हुए हैं, ठीक है, और मैं ऐसा हूं शायद मैं सुबह इतना स्ट्रांग ना हूं, लेकिन अभी मैं इतने अच्छे से बात कर रहा हूं बिकॉज मैं एक्साइटेड हूं दोस्तों। और अगर दोस्तों अगर आप मेरे साथ हैं तो गाइस सबसे पहले वीडियो लाइक करो, इसको शेयर करना है आपको, और अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपकी यूपीएससी की जर्नी में मैं रहूंगा आपके साथ में। सो दोस्तों यूट्यूब के साथ साथ मैं आपको बता दूं हमारे प्लस कोर्सेज भी हैं जो अनअकैडमी ऐप पे हैं, आप जा सकते हैं अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कर लो, गोल यूपीएससी सीएसई रहेगा, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाओगे। याद रखना दोस्तों मेरा कोड है सुमित 10, मेरा कोड है सुमित 10, सुमित 10 कोड आप इस्तेमाल करो और आप जुड़ सकते हो मेरे साथ अनअकैडमी प्लस के ऊपर भी। बाकी मैं यूट्यूब पर भी आपके साथ हूं, अगर आपको लगे कि इतना है, आप मेरे साथ जुड़ के अपने इस पर्पस को, अपनी इस मंजिल को, अपने इस मुकाम को पूरा कर सकते हो, आपके अंदर वो जिद हो सकती है दोस्तों। सो आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर बाय यूजिंग द कोड सुमित 10। याद रखिएगा दोस्तों सुमित 10 मेरा कोड है, इस कोड का इस्तेमाल करके आप जुड़ोगे मेरे से। आई होप यार आपका समय जो था, जो काफ़ी कीमती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस समय को मैंने ख़राब नहीं किया। और दोस्तों ये हमारी एक सीरीज़ है, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे, मतलब मैं अब आपको थकने नहीं दूंगा, समझ रहे हो बात को, मैं आपको थकने नहीं दूंगा। वो आग जो है आपके अंदर वो मुझे लगा के रखनी है, वो मुझे जला के रखनी है दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ अपनी इस सीरीज़ के अंदर, द सुमित राठी शो। दोबारा मिलते हैं दोस्तों।